हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम ये BEd तीसरा सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2021 जो अभी आज ही हुआ पेपर, ये BEd तीसरा सेमेस्टर का पेपर है दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, देखो ये रोल नंबर यहाँ, और BEd तीसरा सेमेस्टर का पेपर है और किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे बच्चों, आइए देखते हैं। न्यू कोर्स एजुकेशन, देखो ये पेपर एजुकेशन शिक्षा से है। फर्स्ट पेपर कंपल्सरी एजुकेशनल, ये जो है प्रश्न पत्र का शीर्षक है बच्चों। समय 3 आवर्स यानी 3 घंटा मिलेगा, मैक्सिमम 100 अंक का रहेगा। आइए देखते हैं बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। देखो नोट में लिखा है, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ बा सा में विभाजित है। खंड आ बा एवं सा क्रमशः 40, 20 एवं 40 अंकों का है। 40, 20 एवं 40 अंकों का है। अभ्यर्थी प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देश द्वारा लिखे हैं। देखो सबसे पहले जो है सेक्शन आ, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे बच्चों। देखो ये देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। एक देखो प्रश्न संख्या एक के सभी भागों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। सभी क्वेश्चन करना है बच्चों खंड ए का। एक के सभी ए बी सी, देखो ए है मापन से आप क्या समझते हैं, सभी करना है। बी है, देखो इंग्लिश में दिया है, हिंदी में भी बी है बच्चों, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर कीजिए। बहुत कठिन नहीं था। अनुदेशात्मक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में डी है, उपयुक्त उदाहरण के साथ विश्वसनीयता तथा वैधता में अंतर बताइए। आगे देखें क्वेश्चन ई में क्या था, हिस्टोग्राम का क्या उपयोग है, मानक की विशेषताएँ बताइए, सांख्यिकी का क्या महत्व है, प्रश्न बैंक का क्या महत्व है। अब हम लोग खंड बा, देखो बच्चों लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में हिंदी में, इस खंड से कहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 3 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। कहीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों, ये जो खंड है इसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए आइए देखते हैं, ये देखो ये दूसरा नंबर है, मानक संदर्भ का सभी समय परीक्षा में अंतर उदाहरण सहित। तीसरा इसमें 2 क्वेश्चन करना है बस, मापन विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए, उदाहरण के साथ संरचनात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। 13 बच्चों, उसके बाद में है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखो इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 6 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, यानी दीर्घ उत्तरी में भी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है बस। 6वां है परीक्षा निर्माण समान सिद्धांत योजना कीजिए। 7वां है आवृत बहुविध से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। देखो बच्चे 8वां है गिनात्मक भावात्मक, इसमें से 2 करना है आपको। क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। उसके बाद में देखो ये गणती है आया है 9 नंबर, निम्न आंकड़ों को सही क्रम से समग्र गुणांक ज्ञात कीजिए तथा उसकी जो है संख्या उसकी व्याख्या कीजिए। ये सवाल आया था, इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों। तो ये था BEd तीसरा सेमेस्टर का जो है पेपर, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से संबंधित है ये।